जब आत्मा अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और आगे फरमा रहे हैं ये अंदर की अवस्था में क्या होता है वो यहाँ समझा रहे हैं कि भिन्नी रेंड्रिय चमकन तारे जाग संत जना मेरे राम प्यारे। अगर इनको बाहर के लफ्ज़ों में देखें तो हमें लगेगा जैसे रात अंधेरी हो और सुबह का टाइम होने वाला है और कि हम जागें। अगर सिर्फ लफ्ज़ों को समझेंगे तो यही समझ में आएगा कि अंधेरी रात ख़त्म हो रही है, सुबह आने वाली है, हम जागें उठें और सुबह का फ़ायदा उठाएं। जैसे कि मुहावरा है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, कि जब सूर्य निकला हुआ है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अंदरूनी यात्रा की बात कर रहे हैं। पहले वर्स में उन्होंने समझाया कि प्रार्थना कैसी हो और सारा ध्यान हमारा अभ्यास की ओर दिलवा रहे हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं अभ्यास के लिए बैठते क्या होता है, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, फिर कुछ रोशनियां दिखती हैं, फिर आसमान दिखता है और उसमें सितारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो जो अंदर की दुनिया है बात बता रहे हैं कि भीनी भीनी जो अंधेरा हटेगा और आसमान दिखेगा उसमें सितारे चमकते हुए दिखेंगे। कि सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें, उसे पार कर जाएं, अंदर के चंद्रमा को पार करें, अंदर के सूर्य को पार करें, अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचे। ये काम हमारा है। उसके बाद सारा काम हमारे सदगुरु का है, लेकिन उन तक पहुंचना हमारे हिस्से में है। अगर हम उन तक पहुंचे नहीं तो फिर अंदर कैसे जाएंगे। जैसे एक वाक्य, एक यंग इंसान था, उसे पैसे कमाने का बड़ा शौक था, लेकिन ये काम करा उसने, वो काम करा, उसको पैसे बन नहीं रहे थे। तो उसको लगा कि मैं अमीर कैसे हूँ। तो उसने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आप लॉटरी निकलवा दो। इतना जो मैं भाग दौड़ करता हूँ, कभी यहाँ भागता हूँ, कभी वहाँ भागता हूँ, कभी वहाँ भागता हूँ, तो मेरी एक लॉटरी निकलवा दो ताकि मैं अमीर हो जाऊँ। तो एक महीना गुजर गया, कुछ उसको पैसे मिले नहीं। उन्हें फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, आप क्या नहीं कर सकते, मुझे एक लॉटरी निकलवा दो ताकि मैं अमीर हो जाऊँ। एक और महीना हो गया, कुछ अमीर नहीं हुआ। उन्हें फिर प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देखो मैं 2 महीनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप मेरा काम कीजिएगा। तो कहते ऊपर से आसमान फटा, प्रभु की आवाज़ आई कि बेटा तुमने मुझे पुकारा। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मैं आपको पुकार रहा हूँ, तो मुझे आप अमीर कर दो, तो मेरी लॉटरी निकाल दो। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी लॉटरी तो निकाल लूँ, टिकट तो तुम जाके खरीदो। अगर अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँचेंगे नहीं, वहाँ तक तो पहुँचना हमारा फ़र्ज़ है, तभी हम अंदर की ओर लेके जाएंगे। अगर सारा दिन हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में रहता और हम कहें जी हम अंदर में रसाई कर लें, तो जब तक के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं हो, आप जैसे आप कॉलेज में जाओ तो कुछ प्री रिक्वेजर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं हमें, तभी अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो अपने आप को शांत करना, अपने आप को अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर अंधेरा हटेगा, सितारे चमकेंगे और तब हम सब जो प्रभु के प्यारे हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। कि हम शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, ताकि हमारे अंदर जो रूहानी खजाने प्रभु ने दिए हुए हैं उन खजानों को हम पा सकें। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे।
हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया है, क्योंकि प्रभु को पाना प्रेम का रास्ता है और उसके लिए हमें अभ्यास करना है, शरीर को शांत करना है, सिमरन के जरिए मन को शांत करना है, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाना है और फिर हम देखेंगे कि हम बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं, राम प्यारे सदा जागे, कि जो प्रभु का प्यारा है, जो प्रभु को पाने वाला है, जो प्रभु से प्यार करता है, उसकी जागृति जरूर होगी। जो दुनिया से प्यार करता है, दुनिया से लगाव करता है, दुनिया में जीता हुआ अपनी जिंदगी गुजार देगा और 84 लाख जिया जून के चक्कर में अटका रहेगा, लेकिन जो प्रभु से प्रेम करता है वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेगा। और नाम सिमर अन देनी, के जो नाम का सिमरन करना है वो दिन और रात दोनों समय करना, दिन में तो इंसान दुनिया के कामों में लगा रहता है, रात में सोना शुरू कर देता है। तो कह रहे हैं दिन में और रात में ध्यान पिता परमेश्वर की और हो। और फिर लिखा है कि चरण कमल ध्यान हृदय, कि हमारे जो अंदर से ध्यान है, जो दिल के अंदर ध्यान है, जो रूह की गहराई के अंदर ध्यान है, वो पिता परमेश्वर के चरण कमलों में हो। तो उसका मतलब क्या हो कि हम सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें और प्रभु बिसरे ना ही एक क्षणों के, एक क्षण के लिए भी प्रभु से ध्यान हमारा अलग ना हो। तो उसी चीज को रीइन्फोर्स कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, हमें यही समझा रहे हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रभु से प्रेम करने का रास्ता है। अब प्रभु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना, तो प्रेम किससे करें? उस पूर्ण सदगुरु से जिन्होंने हमें नाम की देन दी, जिन्होंने हमें प्रभु से पाने का रास्ता दिखाया। और इसीलिए जो शिष्य और गुरु का नाता है वो प्रेम की बुनियाद पे बना हुआ है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं ये हमारी समझ से बाहर है। वो हमसे प्रेम करते हैं तभी हमारे अंदर उनसे प्रेम करने का जज्बा बढ़ता है। संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम पहले हमारे सदगुरु से हमारी ओर आता है और फिर ही हम उनको प्रेम करने के लायक होते हैं। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के प्रेम के रास्ते को अपनाएं और हम उस प्रेम के जरिए अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये पूर्ण महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं हमें मदद करने के लिए आते हैं, हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आते, पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने आते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है, कि ऐसे महापुरुष जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, ऐसे महापुरुष पिता परमेश्वर के अंग संग थे, लेकिन दुनिया में नीड हुई तो लौट आए हैं यार के दर से। तो वो प्रभु का संग छोड़ के हम सबके भीतर आकर रहना शुरू हो गए ताकि हमारी तरक्की हो, कि शुभ चिंतन, उनका चिंतन शुभ था कि हमारी तरक्की हो, वो चाहते थे हमारी बढ़ाई हो, इसीलिए वो अपना आराम छोड़ के हमारे बीच में आए ताकि हमें मदद मिले, हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लायक हो जाए। तो यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी हमें ये समझा रहे हैं कि उस छुटकारे को पाने के लिए हमें प्रभु से प्रेम करना है और दिन रात प्रभु के नाम का जाप करना है, ध्यान उनकी ओर देना है, रूह की चढ़ाई करनी है। रूह जो शरीर में सिमटी हुई है इसको यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करना है ताकि शरीर से ऊपर हम उठ सकें और अपनी मंजिल तक पहुँच सकें।
और इस शब्द के आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तज मान मोह विकारू, मन का कलमला दुख जा रहे। कह रहे हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये पांच चोर हैं जिन्होंने हम सबको घेरा हुआ है, इनको हम छोड़े। हम सब दुनिया में सबसे ज्यादा ईगो के करके मारे जाते हैं। हर एक इंसान सोचता है मैं हर एक से बेहतर हूं, अपनी शक्ल शीशे में देखता है, उसको लगता है इस शक्ल जैसी तो कोई शक्ल आई नहीं। वो समझता है जितना मैं इंटेलिजेंट हूं, जितना मैं समझदार हूं, उतना तो कोई है ही नहीं, और वही उसको डुबो देता है। हम भूल जाते हैं हम सब में कोई फर्क नहीं। आजकल तो साइंस का जमाना है, पीछे एक जीनोम प्रोजेक्ट जो 8-10 साल पहले खत्म हुआ है, उसने यही बताया कि सबके जीन्स एक जैसे हैं, कि 99.9% से ज़्यादा जीन सबके एक जैसे ही हैं, फर्क खाली 0.1% से कम है, और उसी फर्क करके हमारा रंग, हमारे फीचर्स ये अलग अलग हैं। और वही महापुरुष हमें हजारों सालों से समझा रहे कि हम सब एक ही हैं। तो हम सब एक हैं तो फिर एक दूसरे के सामने ऊंच नीच का क्या सवाल है? जैसा कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो कौन भला कौन मंदे, ये तो हमारा नजरिया है, क्योंकि एक ही नूर से, एक ही पिता परमेश्वर से हम सब यहाँ आए हैं। तो कोई अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं होता, सारे ही अच्छे हैं, ये हमारा नजरिया है। जब हम सोचते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, ये हमारी समझ के दायरे से बाहर है। हम भारी रूप से जो कोई करता है, हमारे साथ वर्ताव करता है, जैसा हम सोच लेते हो ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं क्योंकि हम सब एक ही जगह से आए हैं, तो हमें ऊंच नीच का क्या सवाल है? हम सब तो बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। और इसीलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि तज मान मोह विकार, कि जो ईगो है, जो अटैचमेंट है, जो मोह है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारी हुमे के करके, ईगो करके हमारी जिंदगी में आते हैं, उनको हम छोड़ें। और मन का कलमला दुख जारे, जो मन के अंदर जो विकार आते हैं, विकारों के जरिए हमारे अंदर ऊंच नीच होती है, खराबियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, वो कहते हैं उनको छोड़ें, वो हटें, ताकि हमारे विचार अगर शुद्ध होंगे तो खुद ब खुद हट जाएंगे, और अगर विचार दुनिया के होंगे तो फिर तो ऊंच नीच चलती रहेगी। इसीलिए पहले कह रहे हैं कि विचार सही हों, और फरमा रहे हैं कि विनवंत नानक सदा जागे। कह रहे मैं विनती कर रहा हूँ हे पिता परमेश्वर आपके चरण कमलों में, कि मेरी जागृति हो, सदा सदा के लिए जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, कि गहरी नींद में जिसमें मैं सोया हुआ हूँ, जिसमें मेरा ध्यान दुनिया की ओर है, इससे मैं जाग जाऊँ, मेरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, असलियत को मैं पा लूँ। और फरमा रहे हैं हर दास संत प्यारे के, जो भी आपका दास है, हर एक की जिंदगी में ऐसा हो, ये अपने लिए नहीं मांग रहे, दो चार लोगों के लिए मांग रहे, सबके लिए मांग रहे हैं कि प्रभु इतनी दया मेरा आप कीजिए कि हर एक का ध्यान आपकी ओर हो, और हर एक की जिंदगी आपकी नजदीकी के साथ गुजरे। आप कृपालु हैं, आप दया कीजिए कि ख्यालात हमारे ठीक हों, हम पिता परमेश्वर की ओर ध्यान दें, हम किसी संत महापुरुष की संगत करें, हमारा ध्यान नाम से हटे नहीं, और आपकी कृपा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हो। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो हमारी जिंदगी में, इन महापुरुषों के जरिए वही ढले, हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और हमारे कदम बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं।